सुंदर जी नमस्कार। और आप काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम करती रहती हैं, जो आपने अभी तिरंगा अवार्ड किया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, मगर जो तिरंगा अवार्ड में जो लोग कितने खुश थे, ब्लाइंड लोग थे, हैंडीकैप लोग थे, लड़कियां सिंगर थी, जो ये चीज़ों को आपने जो एक दिमाग में रखा है एक महिला होने के नाते, और इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं बोला चलो इसी बहाने, रक्षाबंधन है और आज देश के लोगों को, बहनों के लिए, भाइयों के लिए क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देश के लिए क्या देना चाहती हैं? पहली बात तो नमस्कार, आप यहाँ आए और इस लायक हमें समझा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और रहा सवाल ये जो आपने पूछा, मैंने अपना जीवन ही इसी में, आज 18-19 साल हो गए इन्हीं में, कि वाकई जिनको ज़रूरत है, जिन्हें खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो लोग उनकी तरफ कभी देखते भी नहीं, उनके साथ मुझे खुशियाँ मनाना बहुत अच्छा लगता है। बड़े लोगों के साथ हम आप रोज़ मनाते हैं, कभी ऐसों के साथ जब मनाते हैं ना, तो उसका जो अंदर की जो वाइब्रेशन है वो मैं महसूस कर सकती हूँ, या जो करता होगा वो महसूस करेगा। तो रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व त्यौहार है, भाइयों के लिए तो वो एक रामबाण है, बहनों के लिए, बाकी वो बंधन हर चीज़ का बंधन होता है। हमने किसी को अगर कोई कह दिया वो भी एक बंधन होता है, अपने पड़ोसी से भी अगर हमने वायदा कर दिया वो भी एक बंधन होता है, अगर मानो तो, नहीं मानो तो बहुत से भाई इस बंधन को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, है ना? तो वो उनके उनका भाग्य और उन बहनों का दुर्भाग्य है ना, कि जो ऐसे भाई हैं जो बहनों की कदर नहीं करते, और बहनें कितनी भी ना चाहें कि मेरा भाई ऐसा है, लेकिन आज के दिन वो ज़रूर ये महसूस करेगी कि काश मेरा भाई बात कर लेता, मैं उसको राखी बांध देती। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं होता कि बहनों को कुछ चाहिए होता है, बहनों के अगर बगल बाजू में भी बहनें भाइयों को बड़ा करती हैं, माँ बाप नहीं होते हैं, माँ नहीं होती है, या बहन बड़ी होती है तो भाइयों को वो बड़ा करती हैं एक माँ के तौर पे, तो उनको ये नहीं कि उसकी सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो एक जो दिल में है ना, हमारी परंपरा में जो भरम है, भरम नहीं यकीन है, कि वो बाजू में खड़ा है तो ऐसे लगता है कि वो हमारी ढाल खड़ा है, वो कुछ ना करे लेकिन लगता ज़रूर है कि बाजू में मेरा भाई खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो खुद ही गोली चलाए लेकिन भाई के वो कंधे पे हाथ रख के चलाएगी तो निशाना बराबर मारेगी। तो ऐसा मेरा मानना है, और मैं सभी देशवासियों से, सभी से अपील करूँगी, ये त्यौहार बहुत, मतलब हमारे हिंदू धर्म में ये सबसे सनातनीय धर्म का जो मैं बात कर रही हूँ, हमारे सनातनियों के लिए ये रामबाण है, ये रामबाण है, जिसकी कलाई पे बन जाता है ना, चाहे वो पंडित जी बांधे धागा, चाहे वो बहनें बांधे, चाहे वो माता बांधे, उसका मतलब महत्व, यानी कि उससे आपका खून जोश करने लगता है, कि हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं और हमारे हाथ में ये जो रक्षा बंधा हुआ है ना, ये हमारी बहुत रक्षा करता है, वो कोई भी बांधे, उसका कुछ महत्व के बहन बांधे, कोई भी बांधे, उसकी वैल्यू जब बनती है ना, तो आपको अपने आप को, आपका कहते हैं ना अंदर से कलेजा चौड़ा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है, और जो ये मानते हैं उनके वो भी इस बात को कहेंगे कि ये बिल्कुल सच है। सो आप यहाँ आए, और पूरे देशवासियों से ये कहूँगी कि आप सभी को, जितने भी हैं इसमें, मैं हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं, सभी हमारे भाई हैं, जो इस चीज़ को मानता है वो सभी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के जितने भी हैं वो भी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के बाहर बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, जो हमें मानेंगे वो सब हमारे भाई हैं। सबसे कहूँगी ये त्यौहार बहुत उल्लास और बहुत पीसफुली त्यौहार है, किसी को कोई, जो दुश्मन भी होता है एक बार सामने आ जाता है, अगर कलावा हाथ में दे दिया तो हाथ आगे कर देता है मना, तो इससे मैं आपको बयान शब्दों में तो नहीं कर सकती कि ये इसकी क्या मायने होते हैं,
मेरे लिए तो बहुत मायने, शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। सभी देशवासियों को यही कहूँगी, खुशी से मनाइए और जहाँ अगर गलत फहमियाँ आज के दिन दूर कर दीजिए और सब मिलजुल के रहिए, खुशियाँ मनाइए। कोई भी त्यौहार आए, सब हमारे त्यौहार है। जो हिंदुस्तान में किसी भी कौम का त्यौहार मनता है वो हमारे हिंदुस्तान का त्यौहार है। तो इसको सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आज के दिन अगर कोई भी आपका दुश्मन भी हाथ आ जाए सामने, हाथ आगे कर देना, सारी करवाहट दूर हो जाएगी। बस मैं आपसे ये कहूँगी और इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगी। और आप यहाँ आए, ये हमारी मीडिया का ऑलवेज बड़ा आभार हमारे ऊपर रहा है कि वो हमें कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाती है। मैं सुंदरी ठाकुर, मुंबई महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच।